सो कमिंग टू योर सेकेंड काइंड ऑफ नाउन दैट इज कॉमन नाउन्स. आपका फर्स्ट आपका था प्रॉपर नाउन. नाउ कमिंग टू सेकेंड काइंड ऑफ नाउन दैट इज कॉमन नाउन्स. नाउ व्हाट डू मीन बाय कॉमन नाउन्स? सी, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ठीक है, एक कॉमन नाम है कोई भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या थिंग का. फाइन, नाउ सी द नोट. यू हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कॉमन नाउन? सी, विच इज ईजली अवेलेबल वेन वी आर रेफरिंग टू थिंग्स. जब हम लोग थिंग्स की या चीज़ों की बात करते हैं तो दैट इज ईजली अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल एग, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ब्रेड, चॉकलेट्स, सो दैट आर ईजली अवेलेबल. अगर आपके एक शॉप में नहीं मिलेगी तो आपको सेकेंड शॉप में मिलेगी, सेकेंड में नहीं तो थर्ड में और फोर्थ में एंड सो ऑन. सो दैट वॉट आई मीन टू से कि आपका ईजली अवेलेबल होगा वेन वी आर रेफरिंग टू थिंग्स. एंड सेकेंड नोट इज विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके, सी यहाँ पे अगर पर्सन्स के रिगार्डिंग में, एनिमल्स के रिगार्डिंग में वी कैन से यस. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर आपके एक क्लास में हैं सो वो दूसरी क्लास में भी होगी, वो तीसरी की क्लास में भी होंगे एंड सो ऑन. सेम वे टीचर, टीचर आपकी आपकी क्लास में है तो वो दूसरी क्लास में भी होगी और तीसरी क्लास में भी होगी एंड सो ऑन. फादर, मदर, सो क्या है ये पेरेंट्स हैं आपके, फादर मदर हैं तो वो आपके यहाँ भी हैं तो वो दूसरे के यहाँ भी है. सो वॉट इज देयर कि जो चीज़ वेन वी आर रेफरिंग टू थिंग्स, तो थिंग्स से कैसे विच इज ईजली अवेलेबल. अगर आपको एक जगह नहीं मिलेगी तो वो दूसरी जगह तो मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिक जगह पे वो मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. कॉमन थिंग्स जो है आपके, फॉर एग्जाम्पल चॉक, डस्टर, और यू कैन से पेन, पेंसिल, बुक, और यू कैन से वॉट एल्स, यू कैन से पेंसिल, रबर, स्केल. सो ये सब आपकी चीज़ें कॉमन हैं. ब्रेड, एग, ये सब आपकी कॉमन है, यू कैन गेट इट एनी वेयर. फाइन, कमिंग टू पीपल और एनिमल्स, विच इज़ ईजली और यू कैन से विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. प्रेजेंट एवरीवेयर का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि वो आपके यहाँ भी अगर है तो वो दूसरे के यहाँ भी हैं. फॉर एग्जाम्पल फादर मदर, इफ़ यू आर हैविंग फादर मदर एट योर होम तो वो सेकेंड और थर्ड होम में भी होंगे. यस, पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर. कमिंग टू अदर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, टीचर. ओके, सो स्टूडेंट टीचर आपका क्या हुआ? कॉमन है. इन वन क्लास इफ़ यू आर हैविंग अ टीचर एंड स्टूडेंट सो वो आपके सेकेंड क्लास में भी होगा. सो वॉट आई सेड that things that are easily available and when we are referring to persons and animals so that is present everywhere. Dog or rats or you can say squirrels, ये सब आपके अगर हैं तो ये आपके एक जगह पर नहीं होंगे, वो आपके घर में भी होंगे, वो दूसरे के घर में भी होंगे. Cats, rats, dogs, है ना, that is common. You can get it anywhere. Fine, let's see some examples. Okay, let's see some examples. The first example is the doctor is examining the patient. Okay, so over here doctor and patient is common. Why? Because it is a common name given to a person. Fine, doctor and patient, and you can also understand by this that it is present everywhere. Agar doctor ek jagah clinic mein hai to dusri jagah pe bhi honge, hospitals mein bhi honge. Patient agar yahan pe bhi hai to you can get the patient everywhere. Kahin aap bahut jagah pe, clinics mein milenge, hospitals mein milenge. Fine, so it is common in nature. Coming to example number 2, cats love to chase rats. Again, cats or rats aapka, see in example number 2, cats aur aapka rats common hai. Why? Because cats or rats common hai, it's a common name given to an animal. Fine, and you will easily find it anywhere. Aapko har jagah mil jayenge cats or rats, kahin bhi mil jayenge. Coming to example number 3, there is a door and window in the room. सो ओवर हेयर डोर, विंडो एंड रूम, ये आपके क्या हैं? ये आपके कॉमन हैं. डोर, एक रूम में अगर डोर विंडो है तो वो दूसरे रूम में भी होंगे. यस, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में यू हैव डिफरेंट क्लासेस तो उस पर्टिकुलर रूम में यू आर हैविंग द विंडो, यू आर हैविंग द डोर एंड बहुत सारे आपके लाइक फॉर एग्जाम्पल चॉक, डस्टर्स, वॉट्स एवर. तो ये आपके क्या है? अगर आपकी क्लास में है तो सेकेंड और थर्ड क्लास में भी होंगे. यस, so that is common in nature. So here in example number 3, door, window and room, बहुत सारे rooms होते, एक room तो होता नहीं, बहुत सारे rooms अगर आपके यहाँ तो दूसरे क्या भी होंगे. So that is common in nature. Fine, coming to last example, example number 4, there are 3 eggs on the plate. There are 3 eggs on the plate. Over here eggs
एंड प्लेट इज अगेन कॉमन. व्हाई? बिकॉज इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू योर थिंग्स. चीजों का नाम दिया हुआ प्लेट, और प्लेट आपको हर जगह मिल जाएगी. इट इज प्रेजेंट. ओके, बहुत कॉमन है. एंड एग्स आपको इजिली अवेलेबल होंगे, जस्ट द वे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ अ शॉप. अगर आप शॉप पे जा रहे हैं, चॉकलेट्स और आपके एग्स अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन गेट इट एट अदर शॉप ऑल्सो. सो दैट इज अगेन कॉमन इन नेचर. फाइन. सो डॉक्टर, पेशेंट, कैट, रैट्स, डोर, विंडो, रूम, एग्स एंड प्लेट, दीज आर योर कॉमन नाउन्स. दीज आर कॉमन नेचर. बहुत इजिली आपको हर जगह दिख जाएंगे. सो दैट इज वॉट कॉमन नाउन्स आर. कमिंग टू वन नोट, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो वंस अगेन लेट सी. कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. एक कॉमन नाम दिया हुआ है टू जस्ट टू कैटेगराइज कि आपके वो पर्सन है, या वो एनिमल है, या वो थिंग है, या फिर प्लेस है. जस्ट अ कॉमन नेम गिवन टू अ, फाइन, जस्ट अ कॉमन नेम. एंड विच आर ऑफ द सेम काइंड, एंड विच आर ऑफ द सेम काइंड, दिस इज द मेन थिंग. जो एक ही प्रकार के पर्सन में है, तो स्टूडेंट, यू आर हैविंग स्टूडेंट, देन यू आर हैविंग अ बॉय, देन गर्ल, तो ये सब क्या है, एक कैटेगरी में फॉल करते हैं पर्सन के. एनिमल्स में कैट्स, रैट्स, स्क्विरल्स, डॉग्स, सो दीज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉट, एनिमल्स. सो आपके प्लेसेस हो गए, आपके थिंग्स हो गए, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, सो दीज आर योर थिंग्स. एंड इट्स नॉट अ पर्टिकुलर नेम, और ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है. चॉक, डस्टर और स्टूडेंट और टीचर, ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है. रिमेंबर, प्रॉपर नाउन के केस में क्या था, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर और एक स्पेसिफिक नाम, एक पर्टिकुलर नाम होता है. रिमेंबर दैट. एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन, इट इज कॉमन इन नेचर. हर जगह आपको वो जो चीज़ है या फिर या वो पर्सन वो इजिली दिख जाएगा, मिल जाएगा. दैट इज कॉमन इन नेचर. और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, कोई स्टूडेंट का मैंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, कोई टीचर का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया. इट्स जस्ट अ, यू कैन से अ वर्ड, और यू कैन से इट्स जस्ट अ नेम, अ कॉमन नेम गिवन टू अ क्लास ऑफ पीपल. फाइन. लोगों के जैसे स्टूडेंट, यू कैन से इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू पर्सन. Cats, rats, squirrels, lion, tigers, so these are the common name given to your animal. And places mein you can say, or you can say in your things mein bhi aapka same. So that is what your common nouns are, and it's not a particular name. Aur koi bhi particular naam nahi hai, just a common name. Fine. Okay, let us discuss some examples. In case of people, a common name given to people. Now what is that common name? Mother, father, boy, girl, student, teacher, etc. Okay. So people case mein mother a common name, father a common name, boy, girl, student, teacher, ye sab kya hai, common name hai. Ek sare persons ko ek naam diya hua hai. What a particular name, yahan pe a particular name nahi hai, yahan pe ek common naam hai. Mother, father, boy, student, teacher, okay. Coming to in animals, so in this case, dogs, cat, elephant, tiger, lion and many more. So यहाँ पे आपका जो dogs है, cats है, elephant है, lion है, tiger, ये आपके क्या हैं? ये आपके again common names हैं that is given to animals. Fine. Coming to things, things में आपके क्या आते हैं? Table, things के case में table, book, computer, pencil, car, etc. सो इन दिस टेबल, कंप्यूटर आपका क्या है? कॉमन है. इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू थिंग्स, चीज़ों का एक जिस नाम है. कंप्यूटर, टेबल, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पेन, इरेजर, स्केल, यस, बुक, नोटबुक. फाइन. एंड कमिंग टू प्लेसेस, अगेन अ कॉमन वर्ड गिवन टू अ, लाइक गिवन टू प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी, स्टेट, कंट्री. सो ये क्या है? कॉमन नेम है, जगह के कॉमन नेम्स है. ओके. So this is your common nouns. Fine.